नमस्कार किसान भाइयों, लेमन फार्मिंग एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आप जो आज देख रहे हैं, लगभग एक महीना नहीं, आपका 25 से एक महीना तक हुआ है, 25 दिन से एक महीना तक हुआ है। हम लगाया था कागजी लेमन, सदाबहार कागजी लेमन। अब भी आप देख सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं दिया था, आपका गोबर खाद बोलिए कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ हम लगा के ही सिंपली पानी दे दिया, बस हो गया। उसका बाद में देखिए, 25 दिन बाद में देख सकते हैं आप ब्रांचेस आने का कितना अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये सभी देखा देख रहे हैं, नया नया पत्ते आना चालू हो गया है, देख लीजिए। ये सभी नया नया पत्ते आना चालू हो गया है और कई कई में फ्लावर भी आना चालू हो गया। देखिए, ये जो है फ्लावर का कलिया है, पूरा भरा भर जाएगा पूरा फ्लावर से। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट इसमें आया हुआ है। ये जो है इसमें फ्लावर भी आ चुका है, कोई कोई पौधा में उसमें फल भी आ चुका है, आपको वो भी दिखाएंगे। आप ये देख लीजिए, ये सभी में फल भी आ चुका है। और लगभग जो नया नया जो पत्ते आ रहे हैं, ये जो आप देख सकते हैं नया नया जो पत्ते आ रहा है, देखिए इसमें लगभग और एक महीना बाद में फ्लावर और फलों से पूरा भरा हुआ रहेगा। पर हम लोग रिकमेंड नहीं करते जो इतना छोटा पौधा में आप फ्लावरिंग लीजिए। इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना फ्लावरिंग होगा, देखिए ये जितना ऐसा फ्लावरिंग होगा ये सभी तोड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि अब भी आप फ्लावर फ्रूट लेता तो ये जो इतना छोटा पौधा है, इतना छोटा पौधा में अब भी आप फ्लावरिंग फ्लूटिंग लेता तो आपका पौधा का ग्रोथिंग कम हो जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, लगभग ये जो कलकत्ता पत्ती लेमन है, मेरे पास से पौधा लेता तो ये पौधा से 5-6 महीना बाद से फ्रूटिंग आसानी से ले सकते, क्योंकि 5-6 महीना में बहुत मैच्योर हो जाएगा पौधा, तब भी आसानी से ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका पौधा इससे भी छोटा रहता तो उसमें एक साल बाद से फ्रूटिंग फ्लावरिंग लेना बेटर होगा। और एक बात है, जब भी आप नया पौधा लगाएंगे तब भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम जो ज़मीन रहेगा, देखिए हम जो लगाने का बाद में मिडिल में बहुत सारी जगह गैप था, वो सभी जगह में एक सब्जी का खेती करके ले रहे हैं। ये तो कितना तीन महीना का भी काम नहीं है, 3 महीने का अंदर ये मैच्योर हो जाएगा, ये उठ जाएगा सब्जी। ओके, ये जो लगाया है ऑनियन लगाया है, कंदा का पौधा लगाया है, देखिए लगा के हम सब्जी करके ले रहे हैं मिडिल से। आप भी कर सकते हैं, जब भी नया पौधा लगाएंगे मिडिल में बहुत सारी गैप रहता है, उधर आसानी से जो कोई भी सब्जी आसानी से हो जाता है, इसीलिए वही जगह में आप कोई भी सब्जी का खेती कर लीजिए। उसका साथ जब भी सब्जी का खेती करेंगे तब भी उसमें जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट इसके लिए भी असर पड़ेगा, इसको भी लग जाएगा, और एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट इसमें करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक साथ दो आपका खेती हो जाएगा। एक आप सब्जी करके ले रहे हैं, सब्जी का प्रॉफिट ले रहे हैं, उसका साथ भी आपका जो पौधा है वो भी बड़ा हो जाएगा। जब भी सब्जी ख़त्म हो जाएगा तब से इसमें से फ्रूटिंग आप लीजिए, मतलब आप फार्मिंग करना जब स्टार्ट करेंगे तब से आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। तो ये जो फ्रूट फ्लावरिंग देखिए, ये जो फ्लावरिंग है ये सभी तोड़ के देना पड़ेगा। तोड़ के नहीं देता तो आपका नेक्स्ट में, मतलब इसका जो ये जो भी फ्लावर है इसमें कोई असर नहीं है, पर ये जब भी फल बन जाएगा इसमें से नया नया जो से निकल लेगा फल का अंदर, तब भी इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा। और एक बात है, ये देखिए जो कीड़ा लग रहा है, देख सकते हैं आप, ये जो कीड़ा लग रहा है मतलब इसमें मक्खी आपका मकड़ी लगता है, स्पाइडर लगता है, इसीलिए सो भी ऐसा हो जाता है। इसीलिए आपका कौन सा दवाई देना पड़ेगा, ये भी एक वीडियो में हम बात किया था, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वो देख के आप वही दवाई देता तो बस हो जाएगा। सो आपका जो ये द्वितीय सेकेंड एपिसोड है, नेक्स्ट में थर्ड एपिसोड आएगा जिसमें हम बताएंगे पूरा फ्लावर से भरा हुआ है। उसका पहले भी कुछ हम मेडिसिन देता तो तब का भी हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। ये जो फार्म हम बनाया है इसमें कब क्या करेंगे, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्या स्प्रे करेंगे, उसका पूरा अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, कि नया जब भी
वीडियो आएगा तब भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आप देख सकते हैं। सो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।